स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हुए जानलेवा हमले की खबर पर पीएम मोदी ने दुख जताया और इस हमले के कायरतापूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की। बुधवार को एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को कई गोलियां मारी गई, जिसने इस छोटे से देश को झकझोर कर रख दिया है और पूरे यूरोप में इसकी गूंज सुनाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हुई गोलीबारी की खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करता हूं और पीएम फिको के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस मुश्किल समय में भारत स्लोवाकिया के लोगों के साथ खड़ा है। बता दें कि रॉबर्ट फिको बुधवार को स्लोवाकिया के शहर हैंडलोवा में अपने समर्थकों से मिल रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने रॉबर्ट फिको को करीब से 5 गोलियां मार दी। इस हमले में रॉबर्ट फिको गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। वही प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने मौके से ही आरोपी हमलावर को पकड़ लिया, जिसकी पहचान जुराज सिंटुला के रूप में हुई है। आरोपी एक कवि है और बताया जा रहा है कि वह रॉबर्ट फिको की नीतियों से नाराज था और इसी के चलते उसने फिको पर हमला कर दिया।